नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं विवाद आज तक पर देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों का बुलेटिन। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के पांचवें दिन शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे गुट के विधायक तानाजी सावंत के घर पर तोड़फोड़ की है। यह तोड़फोड़ शिवसेना सांसद संजय राउत की चेतावनी के कुछ घंटों के बाद की गई है। वहीं शिंदे ने कहा है कि विधायकों की सुरक्षा हटा ली गई है, अगर उनके परिवार को कुछ हुआ तो उसके लिए उद्धव और आदित्य जिम्मेदार होंगे। इधर सियासी हंगामे को देखते हुए उद्धव ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। गुवाहाटी में बागी विधायकों की मीटिंग के बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 38 विधायकों की सूची जारी की है। इससे पहले शिंदे ने 23 जून को 34 शिवसेना विधायकों की सूची जारी की थी। महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए शिंदे को सिर्फ 37 शिवसेना के विधायकों की जरूरत है। 2 साल बाद शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा के दौरान लंगरों में फ्राइड फूड, जंक फूड, स्वीट डिश, चिप्स, समोसे जैसी चीजें नहीं मिलेंगी। ऐसी दर्जनों चीजें बैन कर दी गई हैं। श्राइन बोर्ड ने सभी लंगर कमेटी को पत्र लिखा है कि यात्रियों को हरी सब्जियां, सलाद, मक्के की रोटी, सादी दाल, लो फैट दूध और दही जैसी पौष्टिक चीजें ही दी जाएं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय पर लिए गए इस फैसले में बताया गया है कि हेल्दी फूड यात्रियों की सेहत ठीक रखेगा, उनका एनर्जी लेवल भी ठीक रखेगा, जिससे यात्रा में परेशानी नहीं होगी। इसी बीच श्री अमरनाथ गुफा के रास्ते में लगातार मौसम बदल रहा है। 2 दिन से बर्फबारी जारी है, ऐसे में यात्रा शुरू करने में देरी भी हो सकती है। श्राइन बोर्ड ने 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुँचने की उम्मीद जताई है। 2019 में कुल 3.5 लाख श्रद्धालु पहुँचे थे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 5वें महीने में पहुंच गई है। शुक्रवार को यूक्रेन ने रूस के SU-25 एयरक्राफ्ट को मार गिराया। यूक्रेन एयरफोर्स ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। एयरफोर्स ने अपने बयान में बताया है कि 24 जून को माइकोलाइव स्थित 79वें एयर असॉल्ट ब्रिगेड के वायुरक्षा डिवीजन के एक सैनिक ने रूसी एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। इससे पहले 22 जून को यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की एक मिसाइल और 2 ड्रोन मार गिराए थे। पिछले 4 महीने से ज्यादा समय से युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन की मदद के लिए कई देश और संगठन आगे आ रहे हैं। यूरोपीय परिषद ने यूक्रेन की मदद के लिए 9 बिलियन यूरो यानी 567 अरब 10 करोड़ 20 लाख रुपए की मंजूरी दी है। यूरोपीय परिषद ने शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की। बसपा प्रमुख मायावती ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। बसपा प्रमुख मायावती ने एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया। उन्होंने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, विपक्ष ने राष्ट्रपति प्रत्याशी चुनने के लिए हुई बैठक से बसपा को अलग रखा। शरद पवार ने बैठक में बसपा के लीडर को नहीं बुलाया। राष्ट्रपति प्रत्याशी चुनने के दौरान विपक्ष का षड्यंत्र दिखा है। हम एनडीए को नहीं, एक आदिवासी के समर्थन में मतदान करेंगे। मायावती बोली, बसपा को अलग थलग रखने की वजह बाकी दलों का जातिवादी रवैया है। विपक्षी एकता का प्रयास गंभीर नहीं है, यह दिखावा है। भाजपा भी विपक्ष से बात करने का दिखावा करती है। बसपा को बीजेपी की भी टीम बताकर झूठा आरोप लगाकर बाकी दलों ने बर्बाद किया है। इससे यूपी में सपा तो हारी ही, बसपा का भी काफी नुकसान हुआ। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए मेवात आज तक। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।